वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। जिसका इंतजार था वो घड़ी बीत गई। त्योहार से पहले होली मन गई, जोर तोड़ की राजनीति हुई, सियासत में उठा पटक हुई, दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी, कई कोशिशें की गई, कई मुद्दे उठाए गए, विपक्ष ने सत्ता पक्ष का विरोध किया, कई जगहों पर बैकफुट पर भी गई बीजेपी, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी बयां कर गए। वोटों का गुड़ा भाग, जी हाँ, क्योंकि पांच राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आ गया है। पांच राज्यों में से चार राज्यों में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और एक राज्य में आम आदमी पार्टी का परचम लहराया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूपी की, क्योंकि सूबे की सत्ता में बीजेपी की प्रचंड वापसी हुई है। सत्ता में वापसी के बाद योगी आदित्यनाथ के सत्ता मॉडल की भी चर्चा शुरू हो गई है। योगी सरकार के कामों की हर जगह तारीफ हुई है, वो चाहे कोरोना से निपटने का मामला रहा हो, प्रबंधन रहा हो, या फिर यूपी को आधुनिक यूपी बनाने की दिशा में उठाए गए कदम। कोरोना काल में योगी ने जिस तरीके से सूबे भर का दौरा किया, उसका भी एक बड़ा सियासी संदेश गया। सीएम योगी के चेहरे को आगे कर बीजेपी 2022 के यूपी चुनाव में उतरी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए यूपी चुनाव में हाथरस कांड से लेकर लखीमपुर खीरी तक के मुद्दे को उठाया गया। ब्राह्मण और ओबीसी विरोधी नैरेटिव गढ़े गए। सपा और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इन सभी मुद्दों के जरिए सूबे में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की रणनीति के तहत जबरदस्त तरीके से मुद्दे उठाए। कई जगहों पर बीजेपी बैकफुट पर भी गई, लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी कहते हुए नजर आए। तो देखिए किस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है, हर किसी को हैरान कर दिया। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वोटों का गुड़ा भाग रहा। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। खुशी हो रही है एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक बार फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अब प्रतिशत कितना रहा, क्या आपने देखा, लेकिन अब देखिए प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ गई है और अभी तक आपने समीक्षा भी कर ली होगी। क्या गुड़ा भाग आपको नजर आया वोटों में और कौन सा फैक्टर आपको लगा कि इस फैक्टर ने सबसे ज्यादा काम किया जिसके जरिए ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदों से ज्यादा सीटें पाई है, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई है? जी बिल्कुल, आप जैसा कह रही हैं, आप ये देखिए कि भाजपा ने, विपक्ष ने बहुत अच्छा एक जो है मुकाबला किया और फाइट की, लड़ाई की, आगे बढ़ के लड़ाई की। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, हाथरस में आई थी, उसके बाद में अखिलेश यादव पूरे प्रदेश भर में घूमे, लेकिन इसके बाद अगर बीजेपी की जीत हो रही है और जनता ने अगर बीजेपी को वोट किया है, इतनी बड़ी लहर जो आज तक नहीं हुआ कभी पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में, अगर बीजेपी ने वो सफलता पाई है तो उसका कारण केवल एक ही है कि जनता से लगातार बीजेपी ने कनेक्ट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे एक जनता का विश्वास बना रहा, चाहे वो विपरीत परिस्थितियां हो कोरोना काल की या उसके बाद में राहत कार्यों को मॉनिटरिंग की बात हो, जो टीम 11 लगातार संपर्क में रही, घरों तक लोगों से पूछा गया, योगी जी हाथरस गए, योगी जी अमरोहा गए, योगी जी पश्चिम से लेकर पूरब तक घर घर में गए और लोगों से पूछा। आप ये समझिए, जब उनको कोरोना हुआ तो लोगों ने मना किया कि आप पोस्ट कोरोना में जो है शरीर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो डॉक्टरों ने भी सलाह दी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कहा उनको बाकायदे कि आप अपने कार्यालय से बाहर ना जाएं, लेकिन वो पूरे प्रदेश में उसके बाद में घूमे और लोगों से एक डायरेक्ट जो सीधा संवाद होता है। आप देखिए, यहाँ पर केवल योगी जी की बात नहीं हो रही है, भाजपा का जो ये परफॉर्मेंस है, ये पूरे टीम वर्क का एक है कि प्रधानमंत्री से लेकर बूथ स्तर का कार्यकर्ता जो है, गृह मंत्री जब आते हैं यहाँ पर लखनऊ में, तो एक उन्नाव और कानपुर के जो छोटे से जगहों पे है, कोई मोहल्ला है, उसके बूथ का कार्यकर्ता से सीधे बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं, उससे पूछते हैं कैसा चल रहा है तुम्हारे यहाँ, क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, किसी पार्टी ने इस तरह सोचने का मतलब प्रयास ही नहीं किया। बाकी तो छोड़ दीजिए भाई, भाजपा का मुकाबला कैसे हो सकता था, भाजपा का मुकाबला भाजपा से आगे बढ़कर हो सकता था और आगे ऐसे बढ़ना था। आप भाजपा को हिंदुत्व के उस पर घेर रहे हैं, भाजपा को आप महंगाई के उस पर घेर रहे हैं,
भाजपा को किसान आंदोलन का नरेटिव खड़ा किया। आप देखिए लखीमपुर में क्या हुआ, बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गई पूरी, लखीमपुर निघासन था जो, जहां पर आंदोलन हुआ वहां पर किसान आंदोलन के बाद जो दुर्घटना हुई, जिस तरह का एक सीन उसके बाद में बना पूरे प्रदेश में, ऐसा लगा कि बीजेपी के खिलाफ किसान आंदोलन के जरिए माहौल तैयार हो गया, तो वहां पर पूरी 8 सीटें जीतने का काम किया भाजपा ने, शशांक वर्मा तक जीत गए वहां पर। तो ये एक ऐतिहासिक बिल्कुल था, जो करंट जो है आज भी अगर विपक्ष नहीं समझ पा रहा है कि भाजपा की जीत के मायने क्या है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा देश का दुर्भाग्य होगा कि विपक्ष अगर तैयार नहीं है समझने को कि भाजपा लगातार जीत रही है, चाहे वो 14 हो, चाहे उसके बाद 17 हो, चाहे 19 हो, और 22 में एक अलग सफलता का एक नया पैमाना आपने बनाया है, और वो भी एक नहीं चार राज्यों में, जिन पांचवा राज्य आप छोड़ दीजिए उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन जो चार राज्यों में जो भाजपा आई है ये अपने परफॉर्मेंस पे आई है, जहां पर पिछली बार कमजोर भी हो गई थी, उत्तराखंड में कहा जा रहा था कि भाजपा कहीं पर नहीं है, हार रही है, वहां पर आप देखिए बिल्कुल भाजपा ने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। जी ठीक है, और रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका भी। आप जिस तरीके से मनीष जी कह रहे हैं सर कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो बीजेपी की सरकार ने काम किए उसके आधार पर जनता ने मैंडेट दिया है पार्टी को, आप भी यही मान रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कोई और फैक्टर काम किया है जिसकी वजह से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मिला है? देखिए दीपिका जी, जो सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है उसका जो काम होता है वो तो बोलता है, ये कोई दो राय नहीं। हालांकि इस काम को नकारने के लिए, काउंटर जवाब देने के लिए कई कई तरीके के, पूरी पॉलिटिक्स जो विपक्ष की थी वो पूरी तरीके से हावी रही, और उस बीच में कई सारी ऐसी बातें हुई लेकिन जनता ने सबको नकारा और दोबारा से योगी की सरकार को आने का मौका दिया। इस बीच में अगर आप देखो महंगाई का मुद्दा है, महंगाई से कमर टूटी पड़ी है, किसानों के लिए दिक्कतें हैं और कई सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन मुझे लग रहा आज की दौर में ये मुद्दे ज्यादा मायने रखते नहीं है, क्योंकि आप जब आपकी ब्रांडिंग बढ़िया होती है, जब आपका मुद्दे मायने नहीं रखते हैं, आपने ये कहा, लेकिन महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, और अगर छोटा जानवर की बात कर लें तो लोगों को इससे परेशानी हुई थी और ये मुद्दे हमने देखा कि लोगों के बीच इसको लेकर नाराजगी थी, तो कहां गई वो नाराजगी? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, मेरे भावार्थ और शब्द को समझने की जरूरत, छोटा जानवरों की दिक्कत है, महंगाई का मुद्दा है, और बेरोजगारी का जिस तरीके से आलम उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, लठ बज रहे हैं युवाओं के, जो नौकरी मांगता है लठ बज रहे हैं, इसका मतलब इस तरह बड़े बड़े जो प्रचंड जो मुद्दे हैं, इस मुद्दों का कोई लेना ही देना नहीं है, ऐसे मुद्दे भी हो रहे हैं, सब तरीके से चीजें हो रही हैं, लखीमपुर में कत्लेआम होता है, हाथरस में क्या होता है, ये सारी की चीजों को होने के बाद भी जनता अगर नकार रही है तो ठीक है, जनता को अपने पे वो छोड़ देना चाहिए, अगर उनको भाजपा अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, अगर सपा उनको बेकार लगी है कोई बात नहीं है। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में 22,000 आंगनबाड़ी कर्मी पिछले सवा महीने से केजरीवाल के घर के सामने आंदोलन कर रही है, बावजूद भी वो पंजाब जीत जाते हैं, इसका मतलब मुद्दे कहाँ खत्म हो गए? मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन मुद्दों पे राजनीति हो ही नहीं रही, मुद्दों पे जनता भी नकार रही है, अजीब किस्म की राजनीति और अजीब किस्म की ये सारी चीजें हो रही है, बिल्कुल समीक्षा से बिल्कुल परे है। हम लोग भी शुरुआत में आपके चैनल पे हर जगह बात कर रहे थे कि अगर सरकार तो रिपीट होगी भारतीय जनता पार्टी की, 220 या 200 सवा 200 के आसपास रहेगी, लेकिन इतनी सीटें आना और उसके बाद ये सब चीजें होना तो मतलब ये चमत्कार ही हो रहा है, इसमें के बाद में कुछ कहा नहीं जाता। जी यानी कि जो तमाम गुणा भाग लगाए जा रहे थे वो सारे के सारे फेल हो गए और जो मुद्दे उठाए जा रहे थे वो मुद्दे कहीं गायब ही हो गए। मनीष जी जिस तरीके से देखिए, रमेश जी भी जिक्र कर रहे हैं और वो तो ये कह रहे हैं कि चमत्कार ही हो गया है ये, लेकिन विपक्ष की तरफ से बात करें, खुद अखिलेश यादव को हमने सुना था प्रचार जब वो कर रहे थे तो महंगाई का मुद्दा और जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं वो मुद्दे लगातार वो उठा रहे थे, और वाकई में ये चौंकने वाली बात है कि तमाम मुद्दों को नकारते हुए जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है तो इसका मतलब यह है कि फैक्टर काम किया है, या तो मोदी फैक्टर काम किया है या तो योगी फैक्टर काम किया है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी एकदम से जो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई उसका ये फर्क है जिसकी वजह से ये परिणाम हमारे सामने है, उसका नतीजा ही? जी जी बिल्कुल निश्चित रूप से योगी मोदी फैक्टर काम किया है, लेकिन हमें दो चीजें समझनी होंगी इस चुनाव में जो चीजें हुई वो ये हुई कि आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो उसके साथ ही हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सपा का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देखें, तो इसका मतलब जो विरोधी वोट था, जो आप कह रहे हैं जो मुद्दे नहीं
काम किए हैं वो मुद्दे बिल्कुल काम किए हैं। लोगों ने जो निराश थे या जो विरोध में थे उन्होंने खुल के बिल्कुल वोट किया, इसीलिए आप ये देखिए बीजेपी के मुकाबले में उसको जो उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा, पिछले जो चुनाव है उसके मुकाबले में वोट परसेंटेज बढ़ा, बीजेपी का कम बढ़ा, लेकिन सपा का 2.5 गुना बढ़ गया, सपा की सीटें बढ़ गई आपकी। और इसके बाद में अखिलेश यादव आज जो उन्होंने बयान दिया एक बड़ा सकारात्मक बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ठीक है बाकी चीजें हैं लेकिन अब अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो सपा ही हरा सकती है। तो एक उन्होंने नया नैरेटिव सेट किया और ये यूपी में हुआ है इस बार, जो दो पक्षी राजनीति हो गई है, जो जनता समझ में आ रहा था, जो हमने पहले भी देखा था कि कमजोर दलों को मोदी विरोधी वोट नहीं जाएगा, वोटों का बंटवारा नहीं होगा, तो इस बार वो देखने को मिला है। बसपा का वोट जो है 10% घट गया, लेकिन वो किसको जाके मिला, वो भाजपा को नहीं मिला, भाजपा का परसेंटेज केवल 2% वोट बढ़ा, लेकिन सपा का आपका 10% से ज्यादा बढ़ गया। अगर वाकई में बसपा के कोर वोट बैंक की हम पहले भी बात कर रहे थे और ये अब कहा भी जा रहा था कि मायावती की जो उपस्थिति है वो देर से ही सही, लेकिन जो मायावती का कोर वोट बैंक है वो उनके साथ आज भी है, तो आप ये कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को बसपा का कोर वोट बैंक नहीं गया है तो वो गया कहां, क्या सपा पर भरोसा जताया है? बिल्कुल, जिसको आप बसपा का जो कोर वोट बैंक है वो अभी भी बसपा के पास रहा, लेकिन जो मुस्लिम, जो खुद आज मायावती ने कहा मुस्लिम जो एक दलित का समीकरण बनने वाला, एक जो कल्पना की जाती है जो मोदी विरोधी जितने भी पार्टियां हैं वो मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन करती, चाहे वो बीसी हो चाहे राजभर हो या इवन सपा हो, तो वो वोट जो है मुस्लिम जो वोट है यहाँ पर 80-20 का पूरा खेल हो गया, जो विरोधी वोट था वो ऑलरेडी मतलब पूरा स्वीप कर गया और उससे बसपा को नुकसान तो हुआ लेकिन बसपा का जो अपना वोट था उसको मिला, तो सपा की भी सीटें कम हो गई, हालांकि सपा पे वोट ट्रांसफर हुआ, समझिए बसपा का जो वोट है वो सपा में चला गया लेकिन सपा का उसको फायदा नहीं मिला उसके बाद, क्योंकि बसपा ने जहां पर मजबूत लड़ रही थी वहां पे वोट काट लिए, बसपा का वोट इधर से उधर नहीं हुआ। ये इसलिए जो है आगे जो सपा पूर्ण बहुमत तक नहीं आ पाई उसका कारण यही रहा। रमेश जी, आपको भी ये लगता है क्या आपको भी ये लगता है कि अगर बसपा का कोर वोट बैंक जो छिटक गया क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ चला गया या फिर भारतीय जनता पार्टी पर बसपा के कोर वोट बैंक ने भरोसा जताया है, क्योंकि सेंधमारी की कोशिश तो लगातार बीजेपी की तरफ से भी की गई थी। देखिए ये काफी हद तक ठीक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास जो वोट इस बार जुड़ा है वो आप एमबाई फैक्टर तो कह सकते हो, मुसलमानों का और यादवों का ये तो वोट कहीं नहीं छिटका है, इनके पास ही रहा। और बसपा का जितना जो कोर वोटर जिसकी आप कह रहे हो कि उनका जो कोर वोटर अपना वो उनके पास यथावत नहीं रहा है, वो इसके बाहर बहुत पोलराइजेशन हुआ है, वो वोट भाजपा में भी गया है और वो वोट समाजवादी पार्टी के भी पास गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की हार कहाँ पे हुई है, मुझे लग रहा है उनका जो मुस्लिम प्रेम जो लास्ट में उन्होंने दिखा दिया, मुझे लग रहा है वो भाजपा को बड़ा फायदा दे गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई है, जब 80-20 का जब उन्होंने योगी साहब ने जब एक बयान दिया था उसके बाद से स्थितियां बिल्कुल साफ हो गई थी कि अगर मुसलमान का उनको वोट अगर ना भी मिले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास एक बहुत जन समूह और एक पीछे से उनका जो कैडर जो वोट 2017 में जुड़ा था वो उनके पास था, वो बिखरा नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा है इस तरह के बयानात मुझे लग रहा है भाजपा को तो फायदा हुआ और इसका जो नुकसान जो हुआ समाजवादी पार्टी को हुआ। अच्छा दूसरी बात, एक और गणित समझने की जरूरत है जी। 22 सीटें ऐसी हैं जो 500 के अंतराल में हार जीत सामने आई है, 22 सीट है, और 44 सीटें ऐसी है जो 1000 वोटों के अंतराल में जीत हार हुई है, तो ये 46 जो सीटें हैं अगर ये सीटें समाजवादी पार्टी के पास आ जाती तो मुझे लग रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता और स्थितियां और जो रिजल्ट है कुछ और होता। अगर जो भाजपा का पूरा रेसो अगर आप उठा के अभी तक देखो जो उनकी जीत हुई है कुछ सीटों पे, तो 50-60 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम बारीक अंतराल से उन्होंने जीती हैं, तो इससे ये कह देना कि स्थितियां बिल्कुल सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं नहीं है, उनके खिलाफ एक माहौल था, विरोध उनके खिलाफ था और कई चाहे महंगाई का मुद्दा हो, किसानी का मुद्दा। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा नजर जो हर किसी की रही होगी, एक थी वाराणसी, दूसरी थी अयोध्या,
और अखिलेश यादव की तरफ से पहले भी ये कहा लगातार जा रहा था कि अयोध्या में इस बार बदलाव होने जा रहा है। और हमने देखा पांच विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में पांचों पर कब्जा किया था, इस बार लेकिन तीन पर सिमट के रह गई है, दो समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। अगर मिल्कीपुर की बात करें और गोसाईगंज की बात करें, दोनों समाजवादी पार्टी ने जीती है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसमें सेंधमारी करने में समाजवादी पार्टी किस तरीके से कामयाब रही है? कौन सा गणित यहाँ पर बैठा लिया गया जिसकी वजह से सपा को फायदा हो गया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल आपका सही कहना है। ये प्रेडिक्शन किसी का था ही नहीं कि अयोध्या से कोई भी सीटें इस बार दूसरी पार्टियों के पास जाएंगी। हम भी यही सोच रहे थे कि वहां की पांचों को पांचों सीटें, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा जो कि अयोध्या से उठाया गया, उसके जरिए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीटें आएंगी क्योंकि वहां पे विशाल राम मंदिर का मंदिर चल रहा है और वो मंदिर चल रहा है जो सालों से एक मुद्दा नासूर बना हुआ था। चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रयास कह लो या उनकी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कह लो, हालांकि मंदिर का मसला कोर्ट से जरूर निपटा था, लेकिन उसके पीछे उसकी पटकथा किसने लिखी थी? भारतीय जनता पार्टी ने लिखी थी, ये सबको पता था। वहां से दो सीटें समाजवादी पार्टी के लिए लाना, ये भी मुझे लग रहा चमत्कार लग रहा है, क्योंकि कल तक तो यही कहा जा रहा था कि वहां से हो सकता है योगी आदित्यनाथ भी खुद बाप से लड़े, जबकि ये इच्छा उन्होंने भी जताई थी। वो तो एंड में दिल्ली से उनको सीट को बदलाव हुआ कि आप नहीं अपने ही क्षेत्र से गोरखपुर से ही लड़ो, तो उनको वहां भेज दिया गया, हो सकता उनकी सीट वहां से लड़ी जाती थी। बहरहाल हम ये जरूर कहेंगे कि वहां से अगर समाजवादी पार्टी ने सेंध मारी है, दो सीटें लाई है, ये बहुत बड़ा उन्होंने बदलाव करा है। अब मनीष जी, और देखिए बदलाव बहुत बड़ा हुआ है और ये हमने देखा भी, क्योंकि अयोध्या की हम बात कर रहे थे रमेश जी से, तो ये वाकई में कह रहे हैं कि दो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, तो ये बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो गठबंधन ने जो चक्रव्यूह बनाया, आपको याद होगा 2017 में पश्चिमी यूपी की कमान अमित शाह ने संभाली थी और इस तरीके से चक्रव्यूह रचा था कि छोटी छोटी दलों को अपने साथ लिया था और उसके बाद एक अलग ही रणनीति बनाई गई थी और कहीं ना कहीं उस रणनीति पर अखिलेश यादव भी खेलते हुए नजर आए थे और यही वजह थी ओम प्रकाश राजभर उनके साथ थे और यहाँ महान दल के साथ गठबंधन किया, कुल मिलाकर 10 छोटे छोटे दलों को अपने साथ लिया कि पूरी तरीके से किलेबंदी करने की, घेराबंदी करने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अगर बात करें जो स्वामी प्रसाद मौर्य, वो समाजवादी पार्टी में चले गए लास्ट मूवमेंट पे, और इसके अलावा धर्म सिंह सैनी की बात करें वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए, दारा सिंह की बात करें वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन जब अब परिणाम सामने आया तो हमने देखा कि फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए, नकुट से धर्म सिंह सैनी हार गए, हाँ दारा सिंह जरूर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। तो ऐसे में वो चक्रव्यूह कैसे टूट गया, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा कौन सा यहाँ पर करिश्मा हो गया कि जो 2017 में अमित शाह ने जो चक्रव्यूह रचा था वो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया और इस समय में तोड़ा है जबकि ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में तो भारी नाराजगी है। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका जी, आप सही कह रही हैं कि 2017 में अमित शाह जो है उनको पूरा पश्चिम की कमान जब सौंपी गई, प्रभारी बने, तो वो उसके बाद में उन्होंने जो समीकरण चलाया वहां पर, एक पलायन का मुद्दा उसके बाद में उठा, उसके बाद में जो जाट और जो पिछड़े हैं उनको जोड़ने का काम किया गया, एक नया समीकरण वहां पर बना, और जो वहां पर दंगे हुए थे उसका, मुजफ्फरनगर जो दंगे थे या कैराना में जो हुआ उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जाट, बिल्कुल जो एक जाट और मुस्लिम जो वहां पर समीकरण था, जो बिल्कुल रालोद का एक मजबूत एक किला था, उस किले को ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने लैंड स्लाइडिंग वहां विक्ट्री कर दी। लेकिन इस बार ये लग रहा था कि अगर मान लीजिए इधर रालोद मिल गए, उधर सपा है, किसान आंदोलन का एक माहौल बना हुआ था, उसके बाद में जो आपके टिकैत थे राकेश टिकैत वो भी लगातार भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना रहे थे, तो ये लग रहा था कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जाट वोट जो है वो भाजपा से छिटक जाएगा और वो सपा में जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंत में भाजपा की कमान जो है इस बार भी वहां पर किसने संभाली? अमित शाह ने। आपने देखा होगा कि जब प्रवेश वर्मा के घर में दिल्ली में बैठक हुई तो जितने भी जाट नेता थे, 250 के करीब जाट नेता वहां पे थे, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग जिलों के। याद है उन्होंने ये कहा था कि नाराजगी अपनों से होती है, लेकिन आप हमसे बात करिए ना, और अगर नाराजगी है तो हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अपनत्व वहां पर दिखाया गया था अमित शाह की तरफ से।
बिल्कुल आप देखिए, अमित शाह ने सीधे सीधे उनसे कहा कि भाई नाराजगी क्या है, मतलब कोई नाराजगी हो आप बताओ। वो जैसे आपस में हम लोग बात करते हैं, उन्होंने एक बिल्कुल पारिवारिक माहौल बनाने की कोशिश की। उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री गए, कैराना गए, वहां के व्यापारियों से मिले, लोगों के घरों में बैठ के उन्होंने फोटो खिंचाई, तो एक माहौल क्रिएट हो गया, लोगों को लगा वहां पर कि। और ये जो दरार जो है मुजफ्फरनगर दंगों के बाद में एक जाट और मुस्लिमों के बीच में आई थी, तो उस गैप को ये सपा भर नहीं पाई। भले ही नारा दिया जा रहा कि अल्लाह अकबर और जय श्री राम और बम बम बोले, लेकिन वो नारा काम नहीं किया वहां पर। ना किसान आंदोलन में जो दिख रहा था सीन, वो बिल्कुल यहां पे हुआ। दूसरी चीज हुई, जो जाट मुस्लिमों से छिटका था वो छिटका ही रहा। और भाजपा की कहीं ना कहीं जो नीति थी, जो सरकार का एक मुद्दा था, सरकार ने जो कहा कि किसान आंदोलन जो है वो हम माफी मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने मौके पर माफी मांगी, तो प्रधानमंत्री का कद अपने आप में बढ़ गया वहां पर। देश का प्रधानमंत्री है, उसको अगर लग रहा है उसने माफी मांगी है, तो जनता ने उस चीज को स्वीकार किया। और ये आपने देखा होगा चुनाव के बीच में जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई, लोगों से बातचीत की गई, तो लोगों ने कहा यार ठीक है, बस पीएम ने माफी मांग ली, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये एक संदेश जो देने का काम करती है बीजेपी, तुरंत बैकफुट में आई। ये भी एक बड़ा पैकेज का वो मामला था कि भाजपा ने विकास पे कोई चीज हो गई, आंदोलन हो रहा तो उस पर बैकफुट पे आना, ये सारी चीजें बड़ी मॉनिटरिंग से और बड़े कायदे से की गई, तो उसका इम्पैक्ट चुनाव में सीधे सीधे दिखा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो बीजेपी के एक जिस तरह की हुई, जिस तरह की विजय हुई है, जो सीटें आई हैं, तो उसमें अमित शाह जैसे चाणक्य का कुशल प्रबंधन, उसके बाद में भाजपा की नीति, वहां पर हिंदुत्व का मुद्दा, उसके बाद में किसानों को जो वो गया धनराशि गई उनके उसमें, तो सारी चीजें काम की, पूरा कंप्लीट पैकेज एक दिखा वहां। बिल्कुल इसी से कुछ जोड़ते हुए रमेश जी आपसे ही सवाल, ये जिस तरीके से मनीष जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आंसू, प्रधानमंत्री की अपील, और दूसरी तरफ अमित शाह ने जिस तरीके से, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवेश वर्मा के घर पर बैठक की थी तमाम जाट नेताओं के साथ, वो क्या ये दोनों ही काम किए हैं पक्ष में यूपी में? क्योंकि जो नाराजगी की बात सब लोग कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को यही होगा, लेकिन जब परिणाम सामने आए, नुकसान हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ है जितनी की अपेक्षा की गई थी, तो क्या यही काम किया है पक्ष में यूपी में? देखिए दीपिका जी, जो प्रवेश वर्मा के यहाँ जो दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी, उस समय ये कहा जा रहा था कि जो आंदोलन से उपजी जो किरणें हैं, जिस तरीके से जाट लोग बिल्कुल बिदके हैं, तो उनको कवर करने के लिए किया जा रहा था, उस समय ऐसा लग भी रहा था। और दूसरी बात, जब आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद में प्रधानमंत्री ने अपनी गलती को माना और उन्होंने सारी चीजें कही, ये फैक्टर मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा फैक्टर चले थे, लेकिन इसके अगर इतर देखें तो 700-800 किसानों की मौत हो जाना, उसके बाद में इस तरीके अगर बातें करना, तो कोई उसका लॉजिक नहीं बनता है। उसके बाद हाँ, मुद्दे थे, जिस तरीके से पीलीभीत से, मेरा जिला पीलीभीत पड़ता है और पीलीभीत से वरुण गांधी सांसद है, वरुण गांधी शुरू से ही अपनी सरकार को घेर रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे पे, और उन्होंने खुल के पहले ऐसा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता थे जिन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन करा था, तो ये उसके बावजूद भी जनता ने बिल्कुल नकार दिया। देखो वो कहते हैं अखाड़े में जब दो पहलवान जब लड़ते हैं, एक तो पूरी कोशिश करता साम दंड भेद सब अपनाता है, लेकिन अंततोगत्वा बाबा उसी की होती है जो नीचे गिरता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, चाहे जैसे भी जीता हो, तो मुद्दे काम करें हैं कि नहीं करें। मैं लेकिन एक सवाल आप दोनों से ही है, जिस तरीके से विषयों की बात करें, विषय तो काम नहीं है, लेकिन एक बात प्रधानमंत्री के संबोधन में जो मैंने सबसे ज्यादा गौर की वो ये थी रमेश जी, अब वाराणसी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि यूपी का भविष्य माता बहनों को तय करना है। इसके बाद जब जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली, कल प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जीत माता बहनों की है, तो क्या महिलाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना अच्छा मैंडेट मिला है कि महिलाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी वो विश्वास पैदा करने में कामयाब रही है कि एक कानून व्यवस्था का जो मुद्दा उठाया गया था उसी की वजह है कि इतना ज्यादा और इतना अच्छा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है कि महिला एक तरीके से क्या कोर वोट बैंक बन गई है भारतीय जनता पार्टी की? क्या हम ये मान सकते हैं? क्या विश्लेषण इस पर आपका कहता है? देखिए दीपिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो 2019 से प्रधानमंत्री महिलाओं को ये कहते आए हैं कि हमारी जो वोट बैंक की सबसे बड़ी जो धुरी है वो महिलाएं हैं। वही काम उन्होंने तीन तलाक खत्म करने के बाद में करा था। जब उन्होंने तीन तलाक को खत्म करा, उसके बाद में जो मुस्लिम महिलाएं
उस समय जब चुनाव हुए उनकी जो कतारें बाहर निकली तो ये लगा कि प्रधानमंत्री की बातों का बहुत ज्यादा असर हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ये बात समझते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर कहां दिखा सकते हैं और वोट कहां से हासिल कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री जी के अंदर कला है। अगर उसके उलट देखे तो प्रधानमंत्री ने महिलाओं को क्या दिया ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सबको सिलेंडर दिए। उस समय जब सिलेंडर जब बांटे गए तो 500-600 रुपए की ऐसी कीमत होती थी, आज वो सिलेंडर 1200 रुपए की मिल रहे हैं। अगर आप सही से ग्राउंड पे जांच करवा लो तो वो सिलेंडर आज संख्या कम से कम 85 से ऊपर चली गई है, वो भरवा ही नहीं पा रहे हैं सिलेंडर, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। और ये सारी चीजों को अगर देखें, अगर बावजूद तो, इसके महिलाएं बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं तो इसकी तो एक बड़ी वजह होगी ना रमेश जी। तो मुझे तो लग रहा है इसके बाद में वो कहते हैं कि मेरठ साफीर गेट पे टोटका करते हैं, वहां से टोटका करवा लाओ और किसी पे टोटका करवा लो। ठीक है मनीष जी, मनीष जी इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी, फाइनल टिप्पणी। देखिए जैसा कि आपने कहा कि सुरक्षा जो था वो बड़ा मुद्दा था और यूपी में पिछले इस बार कई जगहों पे लोगों ने बातें की, लोगों महिलाओं से पूछा भी तो महिलाओं ने खुलकर माना कि भाई इस समय जो है हमें ज्यादा सेफ्टी महसूस होती है, ये बात बिल्कुल सच है। आप ये देखिए उज्ज्वला योजना की बात की जा रही है, ये बिल्कुल एक जो औरत जो है लगातार पिछले 70 सालों से चूल्हे में खाना पका रही हो, आप उसको सिलेंडर दे रहे हैं, उसके बाद में आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ने एक बहुत बड़ा एक गैप भरा भाई, जिसके पास कच्चा मकान था, आप गांव में जाकर देखिए जो उनके अकाउंट जिनका जनधन योजना, आप कमाल कर रहे हैं। यहाँ पे शहर बातें और मध्यम वर्ग भीषण रूप से नाराज था, कई चीजें थी, चाहे पेंशन योजना हो या कोरोना काल में बेरोजगारी का मामला आ गया हो, एकदम से मिडिल क्लास फैमिली पे पूरा बोझ पड़ गया महंगाई का, तो मध्यम वर्ग जरूर नाराज था। लेकिन गांव में जाइए या गरीब परिवार थे, 2 साल तक लगातार मुफ्त राशन था, उनको एक जो घर मिला, उसके बाद में आप जनधन योजना के तहत और 1000 रुपए जो आपको हर महीने मिल रहे हैं, तो इसने अपने आप में खेल किया और बहुत साइलेंट। और जो वो वोटर है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करता है, वो आप जैसे उससे कहेंगे कौन जीत रहा है तो भैया कौनो जीत रहा हो, यानी कि कुल मिलाकर आधी आबादी जो कि साइलेंट वोटर के तौर पर अपनी भागीदारी जिसने निभाई उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़े चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर तमाम मुद्दे उठाए गए, तमाम दावे किए गए, हालांकि जब परिणाम सामने आया तो ना कोई मुद्दा काम किया और ना कोई विपक्षी तरफ से जो आरोप लगाए गए थे ना वो आरोप काम किए, और परिणाम हमारे सामने है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।